नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में आदर्श आचार संहिता लगते ही सभी असलहों को थाने में जमा करवाया जा रहा है, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट मंगलेश दुबे ने बताया कि जनपद में आदर्श आचार संहिता लग गई है, जिसको देखते हुए गोरखपुर के सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि वो तेजी से असलहों को जमा करवाएं। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि ऐसे लोग जो कि असलहा जमा करने से छूट जाते हैं, वो एप्लीकेशन दे दें, जिससे कि स्क्रीनिंग कमेटी में उनका एप्लीकेशन चला जाए और जो नियम अनुसार कार्रवाई हो वो किया जा सके। अभी तक अधिकतर असलहों को जमा करवाया जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट मंगलेश दुबे ने कहा, सूचना लगने के उपरांत गोरखपुर जिले के सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि वो तेजी से असलहों को जमा कराएं, और साथ ही साथ लोगों से अपील की गई है कि ऐसे लोग जो असलहों में असलहा जमा करने से छूट चाहते हैं वो एप्लीकेशन दे दें, जिससे कि वो स्क्रीनिंग कमेटी में उनका एप्लीकेशन चला जाए और जो नियमानुसार हो उस पर कार्रवाई हमारे द्वारा कर दी जाएगी। और अभी तक की स्थिति यह है कि मैक्सिमम असलहे जमा। जनपद के एनेक्सी भवन के सभागार में गुरुवार को निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निपुण विद्यालय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीडीओ संजय कुमार मीना ने निपुण विद्यालय के अध्यापक और अध्यापिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीना ने बताया कि जनपद में जितने भी निपुण विद्यालय हैं उसका डाइट के द्वारा सर्वे किया गया था, जिसमें से 218 विद्यालयों को निपुण घोषित किया गया था। उन 218 विद्यालयों में जितने भी हमारे अध्यापक हैं उन्होंने अच्छा कार्य किया है, जिसकी जैसे विद्यालय को निपुण घोषित किया गया है, जिनको सम्मानित किया गया है, जिससे वो और अच्छा कर सकें, जिससे कि बाकी लोग भी प्रेरणा ले। इस अवसर पर बीएसए रमेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीना ने कहा, आज जितने भी हमारे निपुण विद्यालय जो डाइट के द्वारा सर्वे किया गया था, टोटल हमारे 218 विद्यालय को निपुण घोषित किया गया था। 218 विद्यालय के जितने भी हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, जिसकी वजह से विद्यालय को निपुण घोषित किया गया है, तो उन सभी का यहाँ पर आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। उन सभी 218 विद्यालय के हमारे टीचर्स, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिले की टीम और सभी हमारे साथीगण इसमें उपस्थित रहे हैं, उन सभी को यहाँ प्रशस्ति पत्र दिया गया है ताकि वो लोग और अच्छा बेहतर कर सकें, अपने विद्यालय को निपुण बनाए रखें और बाकी लोग भी उनसे प्रेरित हों और पूरे जिले को निपुण बनाने की तरफ अपना योगदान। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आदर्श आचार संहिता का पालन कराने को लेकर लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसका सीधा प्रसारण एनआईसी भवन के सभागार में किया गया, जिस पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करवाया जाए, यदि कहीं बैनर व पोस्टर बचे हैं तो उसको तत्काल हटवा दिया जाए, जिससे सभी जिलों के अधिकारियों ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों का जनपद से बैनर व पोस्टर हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रशासन अपनी तैयारी पूरी करे और रिपोर्ट शासन को भेजे, जिससे किसी चीज की आवश्यकता होती हो तो उसको समय से उपलब्ध करवाया जा सके। इस अवसर पर एनआईसी भवन में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह, एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनपद में विकास भवन के परिसर में पोषण माह के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव कुमार मिश्रा ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसके संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव कुमार मिश्रा ने बताया कि ये पोषण पखवाड़ा के तहत हम लोगों ने पोषण टाइशन रखा है। इसमें ECC से संबंधित जो खिलौने हैं जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा बनाया जाता है, उसको लेकर के सभी बालक की आंगनवाड़ियाँ आई हुई हैं और उसका प्रदर्शन कर रही हैं। इससे बच्चे खेल में पढ़ना सीख जाएंगे। ये खिलौना बहुत ही प्रभावी माध्यम है जो कि बाल विकास विभाग की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि बच्चे खिलौने के माध्यम से व आकृतियों के माध्यम से वो पढ़ना सीख जाएं। सुपी.com से
तो आए इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव कुमार मिश्रा ने कहा, ये पोषण पखवाड़ा के तहत आज हम लोगों ने पोषण टॉयथॉन रखा है। इसमें बेसिकली ईसीसी से संदर्भित जो खिलौने हैं आंगनवाड़ी के कार्यकर्त्रियों के द्वारा जो बनाया जाता है उसको लेकर के सभी ब्लॉक की आंगनवाड़ियाँ आई हैं और उसका प्रदर्शन कर रही हैं। इससे बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक समझ है खेल खेल में कैसे बच्चे पढ़ लिख लें उसका एक बहुत ही ये प्रभावी माध्यम है। तो ये अपनी तरह का पहला टॉयथॉन है जो बाल विकास विभाग की तरफ से गोरखपुर जनपद में हो रहा है। इसका संदेश है जो हमारा पोषण भी पढ़ाई भी का जो संदेश है कि कैसे बच्चे खिलौनों के माध्यम से आकृतियों के माध्यम से कैसे उनका मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक उनका विकास हो खेल खेल में कैसे सीख सके, तो ये ईसीसी को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली की। कैंट थाने की पुलिस ने चोरी के आरोप में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान हर्ष जायसवाल पुत्र दिनेश जायसवाल निवासी ग्राम राघोपुर मुंडेरा बाजार थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर, दूसरा विकास जायसवाल पुत्र राजकुमार जायसवाल निवासी ग्राम राघोपुर मुंडेरा बाजार थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी की दो मोटरसाइकिल, तीन मोबाइल, तीन मास्टर चाबी, एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि हम लोग शहर से गाड़ियां चुराते हैं, हम लोग विंध्यवासिनी पार्क उत्तरी से 26 फरवरी को गाड़ी को चुराया था तथा पैशन गाड़ी सिक्टोर से चुराया था, पैशन गाड़ी को रेलवे स्टेशन के निकट छुपा कर रख दिए थे। पूछताछ कर अभियुक्त गढ़ की निशानदेही के आधार पर एक काले कलर की पैशन को स्टेशन के पास से बरामद किया गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, मोदीपुर चौकी प्रभारी शुभम श्रीवास्तव, चौकी प्रभारी पेडलेगंज अजय कुमार सिंह, कांस्टेबल विनोद यादव, राहुल शाह, जोगेंद्र, अभिमन्यु तिवारी, मंगलदीप शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, गोरखपुर में अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना कैंट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश किया जो लोग खुद ही स्मार्ट की बना के 2017 वर्ष से पहले की मैन्युफैक्चर्ड जो भी बाइक्स थी, इसमें स्पेशली हीरो कंपनी की और अन्य कंपनियों की, उनको टारगेट करते थे, उन गाड़ियों को चोरी करके फिर उनका इस्तेमाल छिनेती में करते थे। इन्होंने जनपद गोरखपुर, जनपद देवरिया एवं आसपास के जो भी जनपद हैं उनमें छिनेती की घटनाएं कारित की है। जनपद गोरखपुर में इन्होंने कुल इस तरीके से 6 बाइक हैं वो चोरी की है, उनमें से 2 बाइक ट्रेस हो चुकी हैं, 4 बाइक ट्रेस की जा रही हैं और 3 छिनेती के मोबाइल इनसे बरामद हुए हैं। इन लोगों ने ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगे कैमरों को डॉज करने के लिए ताकि उनकी जद में ना आए, इसके लिए इन्होंने अपना कान पे मोबाइल लगा के और विभिन्न प्रकार के इशारे करके इस तरह की घटनाएं कारित करने का काम किया है। दो अभियुक्त जिनका नाम हर्ष जायसवाल और विकास जायसवाल है, जो आपस में रिश्तेदार हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक अदद तमंचा भी बरामद हुआ है। इन सभी लोगों को, इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हाँ, जिस दिन ये बाइक चुराते थे उसी समय घटना को अंजाम देते थे। बेसिकली ये चोरी और छिनेती दोनों का काम एक साथ करते थे और बाद में बाइक चुराने के बाद में बाइक को ये एक सुनसान जगह पे छोड़ देते थे ताकि पुलिस है वो बाइक को ढूंढे और इन लोगों को ना ढूंढे। जनपद में बुधवार की रात गोला थाने में छेड़खानी के आरोपी शिक्षक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। वहीं परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब आरोपी की तबीयत खराब थी तब भी पुलिस ने उसे बैठाए रखा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि गोला के रहने वाले चंद्र प्रकाश पांडे और कृष्ण कुमार पांडे राजीव गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं। गांव के ही एक परिवार से उनका विवाद चलता है। प्रबंधक के भाई विनय कुमार पांडे उर्फ दीपक पर परिवार की एक बच्ची ने छेड़खानी का आरोप लगाया। लड़की के परिजनों ने शाम 5 बजे पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी को थाने ले गए। रास्ते में उसे उल्टी होने लगे। आरोपी के भाई ने थाने पर पहुंचकर डॉक्टर को दिखाने की बात कही, जिस पर गोला पुलिस ने मुकदमा लिखने की पहले बात कही पर तबीयत ज्यादा खराब होने पर आरोपी की मृत्यु हो गई, जिस पर आनंद फानंद में मृतक को गोला सीएस ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा कर दिया।
सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसएसपी व एसपी सिटी ने परिजनों को समझाया, जिसके बाद परिजनों की तहरीर के आधार पर गोला थाना प्रभारी, ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मी, चौकी प्रभारी, चीनी मिल, बसपा नेता कन्हैया, आर्यन, गुलशन, रामचंद्र सहित 15 अज्ञात लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल के द्वारा वीडियोग्राफी करके करवाया गया। वहीं पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद बॉडी के परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। उसके बाद परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। एसएसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम के अनुसार मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। मृतक के बॉडी पर कोई भी चोट नहीं पाया गया। इस घटना की सभी पहलुओं की उच्च स्तरीय जाँच की जा रही है। जाँच के बाद सभी साक्ष्यों को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना गोला क्षेत्र में कल सायंकाल डायल 112 की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी की घटना रिपोर्ट हुई थी। घटना की सूचना प्राप्त होने के उपरांत एक पुलिस टीम घटनास्थल व मौके का मुआयना व जांच करने हेतु मौके पर गई थी। वह अग्रिम जांच हेतु जिस व्यक्ति को आरोपित किया गया था उसको थाने पर लाया गया था। उसके परिजन भी उसके साथ थाने पर आए थे। थाने पर आने के उपरांत उस व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी, जिसको कि परिजनों के सहयोग से सीएचसी में शिफ्ट किया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सीनियर ऑफिसर्स को मौके पर भेजा गया और मृतक के परिजनों के साथ वार्ता के क्रम में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर स्थानीय थाना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। इसके उपरांत मृतक की बॉडी के पोस्टमार्टम हेतु डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा और वीडियोग्राफी के माध्यम से ये पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत डेड बॉडी को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, जिनके द्वारा उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के अनुसार मृत्यु का कारण क्लियर ना होने के कारण विसरा प्रिजर्व किया गया है और बॉडी पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नल इंजरी मार्क नहीं है। इस घटना के सभी पहलुओं की एक उच्च स्तरीय जाँच की जा रही है। घटना के संबंध में सभी साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई